जजुआर गांव के खादी भंडार ये स्थिति है जजुआर गांव की धरोहर की। ये सब जजुआर गांव की धरोहर है। खादी भंडार की स्थिति देखिए, जजुआर खादी भंडार ये जर्जर स्थिति। ग्रामीण के साथ साथ इसमें प्रतिनिधि का भी बहुत बड़ा हाथ है विनाश के लीला में। गेट सब देखियो तो लॉक लागल छी ताला, वर्षों से एनाहिते बीरान बंद पड़ल। कार्यालय खादी भंडार के कार्यालय ऐसी विकट स्थिति है जजुआर की कि यहाँ पे जितना भी जजुआर गांव का धरोहर लगभग खत्म होने की दिशा में है, लेकिन ग्रामीण के साथ साथ प्रतिनिधि का भी कोई ध्यान नहीं है। देखिए टूटा हुआ जर्जर हालत। किसी को पता नहीं होगा कि लाइव। जजुआर गांव के ग्रामीण से जब पूछा गया कि इसके बारे में कुछ बताइए, तो ग्रामीण खुद डरते हैं कुछ बताने के बारे में। वो सोचते हैं कि हम बदनाम हो जाएंगे। जब हमने उससे कहा कि हमने इतनी बड़ी, हम तो अकेला घूमते हैं, हर कोना को दिखाते हैं समाज के लिए, अगर कोई जान भी ले ले तो कोई गम नहीं। लेकिन बहुत लोगों से जब पूछा गया कि खादी भंडार की स्थिति का मेन कारण है, तो बहुत सारे लोग हमारे कैमरा के सामने आने से मना कर रहे। तो ठीक है भाई, उनकी इच्छा, हम उनको लाना भी नहीं चाहते। बस आपको स्थिति दिखा दे कि ये स्थिति है कि जजुआर खादी भंडार की ये बाउंड्री है। और कुछ वर्ष पहले यही खादी भंडार का जो ग्राउंड दिख रहा है अंदर में, ये जो ग्राउंड है, इसी कैंपस में ग्रामीण बैंक के मैनेजर को जला के मार दिया गया था। वो सामने जो बिल्डिंग है वो बैंक है, ग्रामीण बैंक। तो यही ग्रामीण बैंक के मैनेजर को ये परिसर में आग से जला के मार दिया गया था कुछ दिन। उसके बहुत पहले ये खादी भंडार वीरान पड़ा हुआ है, बंद है। बहुत से लोगों का कहना है कि गांव में बिजली की ज़रूरत है। ये तालाब का दृश्य है, ये तालाब, चारों तरफ जलकुंभी, पानी का कोई नज़र नहीं। गांव में बिजली की ज़रूरत है। अरे भैया बिजली की ज़रूरत नहीं है फिलहाल गांव में। स्वास्थ्य, खादी भंडार, बैंक, जो मूलभूत सुविधा, मूलभूत सुविधा में बिजली भी है, लेकिन बिजली इतना कोई ज़रूरत नहीं है। आज जजुआर गांव में घूम के देखिए तो हर गांव में, हर घर में सोलर लगा है। और सोलर वो बड़ी शक्ति है कि जिसके ऊपर आप कुछ भी चला सकते हैं। एक कंपनी भी चल सकती है सोलर के ऊपर। जब मोबाइल टावर चल सकता है सोलर के ऊपर में, तो कुछ भी चला सकते हैं आप। तो कोई बिजली हमारे मूलभूत सुविधा में उतनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अस्पताल, खादी भंडार, बैंक, ये जर्जर स्थिति देखिए।
ये अंदर का दृश्य है, ये टूटी हुई मकान की छत। ये छत देख के गांव के प्रतिनिधि को भी शर्म आना चाहिए और ग्रामीण को भी। हम भी ग्रामीण हैं, मुझे भी बहुत शर्म महसूस हो रही है, जिसके कारण ही आप लोगों को दिखा रहा हूँ। शायद आज तक ये सब हालात किसी ने नहीं दिखाया होगा, क्योंकि सब डरते हैं। तो ये सब हालत है जजवार गांव का। अब हम आप लोगों को बैंक में ले जाएंगे, जहाँ पे लगभग एक हफ्ता से बैंक के मैनेजर ही गायब है। बैंक का कोई भी काम सुचारू ढंग से नहीं हो पा रहा है। तो एक गुप्त कैमरा लेके उनके पास जाना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा। यह सोलर लगा है, केंद्र सरकार से लेकर बिहार सरकार तक में इसका 22,000 प्राइस है। और आप बताइए कि कौन से नज़र से ये सोलर का 22,000 रुपये दाम है। कोई भी नज़र से, छोटा सा बैटरी है और छोटा सा सोलर है। चलिए कोई बात नहीं, गांव में अगर लाइट जलता है तो वो भी बहुत है। चाची मैनेजर ना है बैंक में, कहिया से ना है? की कहला हो, की काल के ना अथिन कि ना सकिन के ना नहीं बोली ना, तो हम तो पूछबे करबे, कुछो ना बोले छे कोथि लेबे के पैसा के ओ कहिया से दौड़ रहल छी? दो तीन महीना से दौड़े छी। ई जे अथी ओ बाढ़ राहत वाला जे 6,000 छले तई के लेल हिनका तो सुनल के 9,000 रुपया। हां तो वो पहले ही तो पैसा खाता में आइल है। लिंक ना जोड़ाइल है? तो लिंक कहाँ सब देने रही? आधार कार्ड के झरोक बहुते दिन से दे छी, कहिए ना दे छथिन। कई लेल नहीं करे छथिन की कहिए? जाने लेलिए 6-7 गो देले होबे झरो से कहू। कई सब के कंप्लेंट नहीं करे छी ककरो लग? गरीब आदमी है, एमे गरीब के की बात भ गेलै? एक बात बताओ, एमे गरीब के कोनो बाते नहीं छै? दू महीना तीन महीना से दौड़े छी, जोड़िए ना दैए ली। जाले नहीं जोड़ते ताले पैसा ना पाई आयल है। क्या गो अधिकारी है बैंक के अंदर में? अभी दुई गो है, एगो बांटे वाला जो असली है जे मैनेजर जी आती भेल पति मोटे है कैशियर के। कैशियर? हां हाँ। आई एगो जे वो है पूरी जमा करेगा ओहे है, और बाकी जे के मैन है पैसा साइन करे वाला ना है? ना ना मैनेजर तो यो कहले ना जे एथी नहीं कि नहीं एथी ना पैसा दिन कब एथिन से हमको पता नहीं। चौकीदार जी हैं बैंक के? बैंक के हैं? बैंक खादी भंडार के थाना पर से आए हैं ना आप ड्यूटी करने के लिए? सही बात जी, आओ ना हो। बैंक और खादी भंडार दोनों के? अब बैंक के अंदर जाए थे, कुछ बात हेते गुप्त सुनाए वहां सबके। सर खाता को आधार से लिंक करवाना है, उसके लिए ब्रांच मैनेजर नहीं है। कितने दिन से नहीं है? करीब 10 से 12 रोज। कहाँ गए? छुट्टी में। पर्सनल छुट्टी पर है कि मतलब गवर्नमेंट छुट्टी पर है? अपना छुट्टी, पर्सनल छुट्टी। तो उनका कोई अब वो महीना भर नहीं आएंगे तो क्या बैंक में काम नहीं होगा? अभी तो हम नहीं बता सकते हैं। आपका नाम सर? मनोहर झा। मनोहर झा, अब देखिए अगर कोई बैंक का कर्मचारी अगर छुट्टी पर हो
तो उनके दायित्व में कोई दूसरा तो रहना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा ग्रामीण में एक ही बैंक है जी, जी। और इतना काम है तो मतलब वो एक एक ग्रामीण जो है महीना महीना भर से वापस जा रहे हैं सिर्फ आधार के लिंक करवावे के खातिर, तो ये सब गलत बात है। गलत तो है, पूरा क्लियर वो बतेवे नहीं करते हैं जो हम 20 दिन रहेंगे कि 15 दिन रहेंगे, स्टाफ मांग करते। उनका नाम महेंद्र कुमार हेमड़म जी। तो कब आएंगे, एक्यूरेट कुछ मालूम है आपको? फोन मैंने बातें नहीं करते हैं, हम लगाते हैं नहीं उठा रहे हैं, रात में लगाते हैं तो भी नहीं उठाते हैं, अभी स्विच ऑफ किए हुए हैं। उनकी पत्नी पर रात में लगाते हैं नहीं उठाते, नहीं उठाते हैं। रात 200 बार किए हैं। आप अभी कर्मचारी में अकेले हैं? अकेले हैं। अब इतना बड़ा बैंक है, अमाउंट आता है, सब कुछ है, सिंगल आदमी है और इतना मतलब आदमी रिटर्न जा रहे हैं, ग्रामीण का भी दायित्व बनता है, तीन तीन ये पंचायत में तीन तीन मुखिया जी हैं, इसके ऊपर तो दायित्व बनना चाहिए। कम से कम लोकलो एक आदमी को डिप्रेशन में तो दे देते हैं। जी जी, चौकीदार भी है। चौकीदार का छोड़िए ना, चौकीदार का छोड़िए, चौकीदार से क्या करना है? चौकीदार तो एगो है नांगर बेचारे, एगो जो है सोचका उसको अपना फील्ड में। यानी कहने का मतलब है कि उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक जजुआर जो है सुराम भरोसे चल रहा है। ये सब कुर्सी खाली, ये सब कर्मचारी का कुर्सी है, ये मैनेजर साहब का कुर्सी है, ये वाला ये भी मैनेजर साहब का कुर्सी है, देखिए खाली है पूरा। और ये कंप्यूटर चल रहा है, सीसीटीवी कैमरा बहुत अच्छा सुविधा है कि बैंक के अंदर में कौन आया और कौन नहीं गया उसका रिकॉर्ड बहुत जरूरी है, तो ये सीसीटीवी कैमरा है बैंक के अंदर में, बहुत खुशी की बात है। लेकिन ये सब देखिए जितने भी कर्मचारी है सबके सब गायब हैं लगभग, एक सिर्फ वो सारे हैं जो मतलब काउंटर पे बैठे हैं और बैंक का काम कर रहे हैं जो भी है। सर तो आधार लिंक करवावे के हैं, काफी होते हम कहने में नहीं, लेकिन लिंक आधार के लिए मैनेजर साहब रहता चूंकि पासवर्ड सब वेरीफाई हो जी, जिनकर मान लीजिए कि अगर ये पैसा निकाले तो हम करे टोटल भाउचर के हम भेजे अहाँ कैशियर जी जी, हम टोटल भाउचर के जनता के द्वारा भेजलो जी, 20,000 तक हमारे पावर है, 20,000 तक एंट्री हमारा सब लग लेना, ओहिसे ज्यादा जे आदमी ले लम जेना बेसी सबके ज्यादा लेबऽ पड़े जी, चाहे पब्लिके अगर ज्यादा दे तो हम नहीं देवे, एहन बात नहीं छै जे नहीं देवे, ओ एंट्री भाउचर हम टोटल भेजे छी, भाउचर वेरीफाई भेजी पासवर्ड से जी, ब्रांच में जब परिषद अपन निपटारा केला के बाद 5 बजे 6 बजे 7 बजे जखन केला रात में 8 बजे भाउचर के निपटारा के लिए हम तो चली गेलिए, फोन पर सब पूछल जेना एना बोला हाँ जी, फसल 8 बजे रात में आरो से फोन आयल रहे कहलन जेना एना ई बात ई वही, हम बोला हाँ सब लिख के ले गेलिए जेबी बता दे दें कहलन हाँ सब क्लियर हो गया वेरीफाई जी पहुँचल ब्रांच से। अब देखिए क्लियर बता रहे हो क्लियर बता नहीं रहा है, हम 10 दिन में या 20 दिन में या चाहे हमारा ये बीमारी हो गया वो गया कोनो प्रकार के संपर्क ना हो, ऐसे के बारे में कहियो मुखिया जी सब कुछ नहीं कहे जाते ग्रामीण में जान ना 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 हमरा हमरा अपन तक किसने क्यों कहो ना कहू सब ध्यान नहीं दीजिए, कल आरो सब फोन आ हां ना कल आरो सब फोन आ रहे हैं, हां कहन जी कि आपके मैनेजर साहब कब आवेंगे कुछ पता नहीं, कोई पता नहीं है कि कब आए जी जी जी, बात करने तक सस्पेंड हो जाएंगे वो जल्दी, उन्हें तो मेल आ गया ना, हाँ 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 अगर नहीं आए हैं तो ये 2-4 दिन में उनका मेल आ जाए, तब लॉस ऑफ पे में जा रहा हूँ सर, इस तरह की स्थिति रहते हैं, छुट्टी भरी चली है लेकिन कल से अली निर्देश जी की छुट्टी नहीं भर के अब मैंने जी जी अब्सेंट लिखा जरूरी है। बहुत स्थिति खराब है, दू चार गो महिला छला वो कहे बउआ महीना भर से दौड़े छी हमरा सबके तो बैंक में एनाई मुश्किल भ गेल ब्रांच मैनेजर रहतनी से पहले भोला महतो
जतबे काज हो एकदम डेली के डेली निपटारा हो जहिया से हुनका प्रमोशन दऽ के विदा भेलनि तहिया तक मैनेजर एबे नहि केलनि। हिनका ई छथि पी ओ साहब, हिनका एखन अधिकार मे देने सब शाखा प्रबंधक के। ललिता देवी की करैली अहाँ, कथी कोन काम है, कोन पैसा? अच्छा अहाँ के खाता में जो जमा है से वाला की बाढ़ राहत वाला? 6000 वाला कते दिन से होइ छै? 6034 है। बाप रे, 2 महीना से की कह रहल छथि सब? ओहि दिन आप देलिए सब लिखे नहि भेलै तऽ लिख भेलै तऽ कहै छी जे आप दोसर दिन अहाँके कोन गाँव से लिए? लखनपुर। यानी कहा के मतलब जजुआर लखनपुर बिशनपुर सैदपुर इमहर उमहर से कटे ही छै लगभग, मतलब मानिके चतुर लाखों के आबादी में एगो सिंगल बैंक छै। 5 पंचायत पश्चिम में जी, पश्चिम में बटवारा घाट जी, पश्चिम में जी, उत्तर में बगवासा कथी कथी कौन गांव से कहि से? हाँ 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 उत्तर जी, और पूरब में भग लखनपुर अंतिम जी, और दक्षिण में भग रहा के कथी लगवाड़ा चंगेर बिशनपुर की कहा जी। हालत सिर्फ एक सिंगल कर्मचारी पूरा बैंक के संभाल रहल छथिन, बाकी सब चलो अहू सब तो वही प्रॉब्लम है, अहू सब वही ले लिया महीना दिन से की करथिन दोहो अकेला? हाँ, उनका एक दिन ना छुट्टी रहता है। अकेला की करती हूँ? जहिया से में उनका नौकरी भेलन तो राज बन गए महेंद्र जी, कभी ना रहे चार दिन। हमारा अपना समस्या है मंगल के बारे में, करे के नीतीश के से करे हमने झक रहा थी लेकिन मंगल के क्यों ऐप की नहीं यार, काल कहले जेल ऑफिस में देना रहा था मंगल के बारे में बात की है, अगर सोचेंगे तो आपको फोन कीजिएगा। मंगल सुन रहा था कि ऐसे मालूम है कि ठीक छ भाई, अकेले तो कोई बात नहीं छे, राखी बात भेल तो कहा ठीक है, काम करना बहुत प्रकार लगा तो हम एक बजे तक बर्थी कॉलेज में पर हम आ जाओ आए कुछ घंटा के लिए कुछ नहीं चाहे पसौलियों से चाहे महीने से चाहे चाहिए ना कुछ तो कहने सब जगह तीन तीन टाइम स्टाफ की दूंगे अपने भाग चाहे छथिन के ना हूँ हमारा अंदाज रहिए जिनका नौकरी कमेटी में भाग खत्म कर दिए हम सहा दे लेकिन एखन एक आदमी कहलक हाँ कहीं भेल की पता नौकरी मैंने सीजन से जी ना डिजाइन लिखी एन ओ सी लेथिन सब नियम से नहीं कर दिए सीधे भाग झारखंडे हाँ झारखंडे कौन ब्लॉक एग्रीकल्चर की स्थिति है जजुआर ग्रामीण बैंक के। समय सारणी रविवार को छुट्टी अब पूरा स्थिति आप लोग देख चुके हैं, आप ही बताइए कि मतलब ये गांव के जिम्मेदार लोग जो बड़े बड़े पोस्ट पर हैं ग्रामीण, क्या वो अगर चाहते तो क्या ग्राम का विकास नहीं हो सकता था, जजुआर का विकास नहीं हो सकता था? ये देखिए खादी भंडार बिरान भूत बंगला, यानी 5 लाख की आबादी जजुआर के आसपास के लगभग 10 ग्रामीण जो है सो इस बैंक में अपना खाता खुलवा चुके हैं, और इतना बड़ा बैंक होने के बाद भी जब आज बैंक का दौरा किया गया तो सिर्फ और सिर्फ एक कर्मचारी कैशियर साहब बैठे हुए हैं।